अब हम लोग करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले मैं बता दूं, ये है डबल थायपैड मून वॉल्कर वालों का। ये थायपैड इतना अच्छा है, मैंने एक दफ़ा इसको यूज़ किया है, अभी जब मैंने रिसेंटली लिया, इसको यूज़ करने के बाद आपको रिव्यू दे रहा हूँ। इसको सबसे पहले हम लोग खोलते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ये ब्लू कलर का थायपैड है, अक्सर आप लोगों ने ये बड़े प्लेयर्स को खेलते हुए देखा होगा, फॉर एग्जांपल बाबर आजम वगैरह को। ये है डबल थायपैड। ये थायपैड इतना प्रोटेक्टिव थायपैड होता है कि आपकी पूरी बॉडी के जो थाय है उसको बहुत अच्छे से कवर करता है। अगर इस पर बॉल लगती भी है ना, तो यकीन मानो महसूस नहीं होता। ये मेरे पास पुराना थायपैड है, जो मेरे पास सिंगल थायपैड था GM वालों का। ये इस जब मैं इसको पहन के खेला करता था, मुझे अक्सर इतनी ज़ोर ज़ोर से बॉल लग जाया करती थी कि मेरे को दो दो दिन तक इंजरी रहती थी थाय पर। ये आप लोगों को मैं बताऊँ, ये देखें इसका साइज़ देखें और इस डबल थायपैड का साइज़ देखें। ये इतनी सी जगह प्रोटेक्ट करता था मेरे थाय की, और ये जगह बहुत ज़्यादा ऊपर तक प्रोटेक्ट करता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन है इस ब्लू वाले थायपैड की। लेकिन जब भी मैं पहनकर ये वाले थायपैड से खेला हूँ, यकीन मानो अक्सर मुझे इंजरीज होती थी इस थायपैड की वजह से। अभी मैं इसको साइड पर रखता हूँ, अभी मैं आप लोगों को मून वॉल्कर वालों के डबल थायपैड का रिव्यू देता हूँ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस थायपैड के बारे में मून वॉल्कर वालों के। अगर आप लोग इसकी स्ट्रिप्स की बात करें, इसकी स्ट्रिप्स इतनी मजबूत है कि ये देखें, मुझे पूरी जान लगानी पड़ रही है इसकी स्ट्रिप्स खोलने के लिए, इतनी अच्छी क्वालिटी की इसकी स्ट्रिप्स हैं। ये वाली भी खोल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें कितनी जान लगानी पड़ती है, इतनी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने स्ट्रिप्स दी हुई है। ये यहाँ से खोली, ये देखें, ये मैंने खोल दिया इस पूरे डबल थायपैड को। ये मेरे पास अंदर ये डबल थायपैड इसलिए होता है कि दोनों थाय के लिए दिया होता है। ये फ्रंट थाय के लिए होता है, अगर आप राइट हैंड है तो आप राइट हैंड थायपैड लेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो आप लेफ्ट हैंड थायपैड लेंगे। मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ, तो ये मेरा राइट हैंड थायपैड है, क्योंकि ये आगे की साइड यूँ करके लगता है और ये पूरी बॉडी को कवर करता है। और ये वाला जो आपका लेग थाय है, उसके ऊपर ये वाला थायपैड लगता है। इसकी भी स्ट्रिप देखें, कितनी मजबूत स्ट्रिप से खुल ही नहीं रही। ये देखें, ये कितनी मजबूत स्ट्रिप्स हैं इसकी, इतनी अच्छी क्वालिटी की इसकी स्ट्रिप्स हैं। इसको पहनते कैसे मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, सिंपल सा करना क्या होता है आप लोगों का, ये जो है यहाँ पर, ये यूं करके अंदर की तरफ रखें इसको, स्ट्रिप्स को, आपकी जो स्ट्रिप्स है वो अंदर की तरफ जाएंगी, और यहाँ से आप लोग ये डबल थायपैड यहाँ से यूं इस तरीके से आपका डबल थायपैड बन जाता है, और आप लोग ईजिली इसको पहन लेते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी प्राइस कितने रुपए की है। ये थायपैड जो है मून वॉल्कर वालों का, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का थायपैड आता है। दो तरह के थायपैड आते हैं ब्लू कलर में, एक मून वॉल्कर वालों का जो इंटरनेशनल प्लेयर्स और प्रोफेशनल लेवल के क्रिकेटर यूज़ करते हैं, और एक दूसरी क्वालिटी का भी आता है, वो थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का होता है ये ब्लू वाले थायपैड से, वो भी ब्लू कलर का ही होता है लेकिन थोड़ी हल्की क्वालिटी का होता है। उसकी प्राइस तकरीबन 1000 से 1200 तक है, और जो इसकी प्राइस है 1600 से 1700 तक का है। ये जो मैंने परचेज़ किया, ये मैंने 1300 से 1400 तक का परचेज़ किया है। आप लोग स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, ये इस दुकान से मैंने परचेज़ किया, ये लोग होम डिलीवरी भी करते हैं, आप लोग चाहो तो यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। ये है डबल थायपैड। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटी सी वीडियो है, एक थायपैड का रिव्यू दिया मैंने आप लोगों को, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना बहुत सा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।